की बात है कि कॉर्पोरेट सेक्टर से पहले ही कोऑपरेटिव सेक्टर इसमें पहला ब्रांड रिलीज करने में सफल हो पाए और दूसरा ब्रांड नेम जो उत्तराफिश दिया गया है, एक एकड़ की जमीन में आप सीरियल क्रॉप पैदा कर सकते हैं या वेजिटेबल फूड क्रॉप पैदा कर सकते हैं, कुछ कमर्शियल क्रॉप पैदा कर सकते हैं, जितने भी पॉसिबल ऑप्शन हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला जो ऑप्शन है वो फिशरीज है। तो मैं दोनों विभाग के अधिकारियों को और दोनों कोऑपरेटिव फेडरेशन के सदस्य और कोऑपरेटिव फेडरेशन के अधिकारी सबको मैं आज के इस ओकेशन में बधाई देता हूँ और लगातार मेहनत करने की वजह से हम लोग आज इस पोजीशन में पहुँचे हैं और बहुत जल्दी हम लोग इसको और एक्सपैंड करने में सफलता होंगे। तो ये उत्तराखंड के पशुपालक और मत्स्यपालकों के लिए कि वे बकरो ब्रांड के लोगों का उद्घाटन करें। सहकारी समिति से जुड़े हुए लोग हैं, इनके पास कम से कम 10 बकरियां पहले से हैं, उनका रजिस्ट्रेशन उस समिति में है, उनको फेडरेशन के द्वारा निशुल्क 10 बकरियां और एक बकरा वह भी उच्च गुणवत्ता का सिरोही बकरा नस्ल सुधार की दिशा में जिसका प्रयोग किया जा सके ऐसा 21 का समूह बनाकर उनको दी है। लॉकडाउन हमें काफी किफायती साबित हुआ। मैं उनका बहुत आभारी हूं कि हम जैसे लोगों को इसके साथ जोड़ा और प्रदेश में जो समस्या मुख्य है पलायन की उसको रोकने में यह एक बहुत ही कारगर उपाय साबित होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज धरातल पर पूरे तरीके से आ पाएगी। हम सब लोग मिलकर पूरे कोशिश करेंगे, अथक प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे कि इसको एक कामयाब विजन बनाया जाए। ये बत्तख पालन, भेड़ पालन का कार्य करेंगे, इससे हमारे प्रदेश की मजबूती होगी। मैं बहुत ही खुश की बात है कि आज मैं उत्तराखंड राज्य में स्वागत है और बहुत बहुत बधाई भी है। और आज सौभाग्य का दिन है कि हमें सहकारी समितियों के माध्यम से जो कि बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे बकरी पालन कर रही हैं अथवा कर रहे हैं उनके माध्यम से जो फेडरेशन बना उसके माध्यम से आज जो ये फेडरेशन अपनी भूमिका में एक कृत्य रूप में हमको देखने को मिल रहा है। हमने देखा है किस प्रकार से हिमालयन गोट में आज मीट ऑन व्हील आपके सामने है। आज हमने उत्तराफिश का किस प्रकार से एक रेस्टोरेंट के रूप में हमने शुभारंभ किया है जिसमें हमने आपकी चाहे शीतल जल की मछली हो या स्वच्छ जल की मछली हो चाहे वो ट्राउट हो कि हमारे जो समितियां हैं जिसमें कि 90% जो है महिलाएं उन समितियों से जुड़ी हुई हैं कि वो अपने उत्पादन का सही कीमत वो प्राप्त कर सकेंगी। प्रेरणा से ही जिस प्रकार से हमारे सेक्रेटरी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने लगातार कई बार की बैठकें भी ली हैं, उनके चिंतन से भी ये चीज़ें
शीघ्र अति शीघ्र हम लोग संभव कर पाए। और मैं समझती हूँ कि जितने भी हिमालयन स्टेट होंगे तो उत्तराखंड पहला ऐसा हिमालयन स्टेट होगा जो अपनी बकरी को और जो अपनी मछली को अपना नाम दे रहा है और उसकी ब्रांडिंग के साथ उसको मार्केट में उतार रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं अपने विभाग के सभी हमारे डॉक्टर आनंद जी को भी बहुत बहुत बधाई दूंगी। हमारे विभाग के डायरेक्टर हैं, सचिव हैं और हमारे डॉक्टर नयाल हैं, सभी लोगों के प्रयास से जो है हम ये कार्य सफलतापूर्वक कर पाए हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है आज के अवसर के लिए, आज के दिन के लिए, एक अभिनव प्रयोग के लिए जिसकी सफलता मुझे अभी से दिखाई देती है कि निश्चित रूप से एक ये नज़ीर पेश करेगा और ये नज़ीर उत्तराखंड का मैं समझती हूँ देश में भी प्रस्तुत किया जाएगा कि ऐसा भी किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जो मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है उस ओर बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा कदम है और निश्चित ही इससे जहां जनमानस को क्वालिटी मटन क्वालिटी फिश मिलेगी वही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बस इतनी बात कहते हैं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रोत्साहित करेंगे।